इस्लामी दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत यानी खिलाफत उस्मानिया, जिसे आज हम ओटोमन अम्पायर के नाम से जानते हैं, ये वो हुकूमत है जिसने 6 सदियों से ज़्यादा इस दुनिया में हुकूमत की। लेकिन सवाल ये है कि इस सल्तनत ने किस तरह इतनी बुलंदियों को छुआ और इतनी ज़्यादा सुपर पावर बन गई। आज की इस वीडियो में हम आपको अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी के बहादुरी के किस्से बताएंगे। यह साल 1258 की बात है, जब काई कबीले के सरदार अर्तुरुल गाजी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम उस्मान गाजी रखा गया। मुस्तकबिल में इस बच्चे से ऐसी कुव्वत और ताकत वजूद में आनी थी कि जिस ताकत का मुकाबला करना यूरोप और एशिया या दुनिया के किसी भी फौज के लिए मुमकिन नहीं था। जिस राह से आएगा उस राह पे मारेंगे, भूल कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे। जिस राह से आएगा उस राह पे मारेंगे, भूल कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे। हम मौत की वादी से यूं तुझको गुजारेंगे, इस कौम से लड़ने की हिम्मत ना हो। उस्मान गाजी भी होशियारी, बहादुरी और अकलमंदी में अपने वालिद से जरा भी कम नहीं थे। वो भी बिल्कुल अपने वालिद की तरह वफादार और बहादुर थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस खाक का हर जर्रा तकदीर इलाही है, इस कौम का हर बच्चा अल्लाह का सिपाही है। इस खाक का हर जर्रा तकदीर